हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के हेल्प से खुद से टीम बनाओगे ना, तब भी आराम से विन कर जाओगे। मैं आपको वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि खुद की टीम बनाते समय आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो इस वीडियो में हम यूईफा यूरोपा लीग का फुटबॉल मैच कवर करेंगे, जो आज खेला जाएगा अस्ताना और चेल्सिया एफसी के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के इस मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, कितने गोल करके इस मैच को जीतेगी, और आज के मैच में किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है, और उन्हीं 11 प्लेयर में से किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएंगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना, ओके। तो चलिए अब हम इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज का जो मैच है अस्ताना के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, और चेल्सिया की टीम इस मैच में एक अवे टीम रहने वाली है। और अस्ताना जो टीम है ये कजाकिस्तान की टीम है, ये कजाकिस्तान लीग में सेकेंड पोजिशन पर है फिलहाल टाइम पर। और चेल्सिया इंग्लैंड की टीम है जो प्रीमियर लीग खेलती है। प्रीमियर लीग में इस टीम का रिजल्ट इस सीजन काफी शानदार रहा है। अगर हम दोनों टीम को कंपेयर करें तब भी चेल्सिया की टीम बहुत ज्यादा मजबूत टीम है एज कम्पेयर टू अस्ताना। तो दोस्त अब बात ये आती है कि मैच का प्रेडिक्शन क्या होगा, मतलब कौन सी टीम कितने गोल करके जीतेगी। एक चीज तो क्लियर है कि मैच को चेल्सिया जीतेगी, कितने गोल कर सकती है। मुझे लगता है कि इस मैच में चेल्सिया के लिए 3 गोल करना कोई बड़ी बात है नहीं, और 1 गोल आ सकता है अस्ताना का, लेकिन चांस वो भी काफी ज्यादा कम है। ये मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच को लेकर। अब यही प्रेडिक्शन हमें अपनी फैंटेसी की टीम बनाने में यूज करनी है। अब टीम में कौन कौन से प्लेयर लेकर चलने, किस प्लेयर को कैप्टन देना, किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी की सारी जानकारी अब आपको दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप और प्लेयर का स्टैट के बेस पर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले लाइनअप देखते हैं। तो आज के मैच में अस्ताना की लाइनअप कुछ इस प्रकार रहेगी, और अस्ताना की जो टीम है वो टीम 4-2-3-1 का फॉर्मेशन खेलती है, और इस टीम ने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले, 5 मैच का स्टेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। हर एक प्लेयर का स्टेट्स यहाँ पर है कि कौन से प्लेयर 90 मिनट खेलता है और कितने गोल कर चुका, कितना असिस्ट कर चुका है, तो सबका डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन हम लाइनअप के अनुसार प्लेयर को कैसे सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल कीपर। ऑन्ड्रिक इस टीम का गोल कीपर रहेगा, और इस टीम की तरफ से सिर्फ हम 4 प्लेयर लेकर जाएंगे, और चौथा प्लेयर में अगर देखा जाए तो पहली चॉइस आपकी गोलकीपर से होनी चाहिए, ओके। अब बात की जाए डिफेंस में, तो डिफेंस में उसमें किसी भी डिफेंडर को इस टीम की ओर से सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे अगेंस्ट चेल्सिया, क्योंकि ये टीम बॉल पर पोजीशन भी नहीं रख पाएगी। इंटरसेप्शन टैकल से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जब चेल्सिया गोल मारेगी तो इनका पॉइंट माइनस होंगे, ओके। अगर मैं किसी एक डिफेंडर को सजेस्ट करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा कलारे, बाकी किसी को नहीं लूंगा, ओके। अब हम बात करें 2 डिफेंसिव मिडफील्डर रहे जो बिना गोल के इस मैच में 10-15 पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन याद रहे गोल असिस्ट का चांस इन दोनों के काफी ज्यादा कम है। अगर आपको लगता है कोई अटैकर फ्लॉप होगा तब ये उनसे ज्यादा पॉइंट दे जाएंगे, एक चीज है कि उनसे ज्यादा पॉइंट दे जाएंगे। आप चाहे तो इनको ले सकते हो अमानोविक और डगोम में। अब हम बात करें अटैकिंग प्लेयर जो यहाँ से थॉमस शो है, यहाँ से ग्रिस्पी है, और यहाँ से कमारा है। कमारा और ग्रिस्पी का थोड़ा सा ज्यादा चांस रहते हैं, गोल असिस्ट में कंट्रीब्यूशन इनका आता है, तो इसलिए मैं कमारा और ग्रिस्पी को ट्राई करूंगा, ओके। और यहाँ से थॉमस शो के बारे में बात की जाए तो थॉमस शो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है इस सीजन में, आप देख सकते हो यूरोपा लीग में इस टीम के लिए अब तक 1 गोल 1 असिस्ट किया है। आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हो ग्रिस्पी या थॉमस शो में से एक, लेकिन मैं ग्रिस्पी को आगे फिर खरीदूंगा, ओके। हम बात करें चिनेडू इस टीम की तरफ से एक स्ट्राइकर है एज ए नंबर अटैकिंग है, और प्लस इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है, तो मैं इनको अपनी टीम में लेकर जाऊंगा, ओके। अगर यही लाइनअप है एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, उस्मान को कमारा लेकर चलूंगा, चिनेदू लेकर चलूंगा, ग्रिस पे लेकर चलूंगा, प्लस में टीम का गोल कीपर, बाकी कोई प्लेयर के मेरी टीम में जगह नहीं। अगर आपको लगता है कि अटैकिंग छोड़कर डिफेंसिव प्लेयर को लेना है तो ये दोनों प्लेयर बेस्ट रहेंगे इस मैच में, ओके। तो चलिए अब सामने वाली टीम की लाइनअप देखते हैं इस मैच में। तो चेल्सिया की टीम की लाइनअप आज के मैच में कुछ इस प्रकार रहेगी दोस्त, चेल्सिया की लाइनअप इस प्रकार है। तो लाइनअप का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से ये टीम 4-2-3-1 का फॉर्मेशन खेलती है, हर एक प्लेयर का स्टेट्स यहाँ पर है। इस टीम ने अभी टूर्नामेंट में 4 मैच खेले हैं, अब आप देख सकते हो 4 मैच में हर एक प्लेयर का स्टेट्स कि कौन से प्लेयर ने इस टीम के लिए कितने गोल किए हैं, कितने असिस्ट किए हैं, और कौन सा प्लेयर जो 90 मिनट खेलने का एवरेज रखता है, तो सब प्लेयर्स का स्टेट्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो गोल कीपिंग सेक्शन में सांचेज रहेगा, हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि वीक टीम का गोल कीपर हमेशा टेस्ट होता है, ओके। ये एक मजबूत टीम है तो इसलिए इस टीम का गोल कीपर नहीं लेंगे। डिफेंस में कोकोरेला रहेगा और काइसेडो रहेगा जो एक मिड डिफेंडर लिस्टेड है, लेकिन ये डिफेंसिव मिडफील्डर है, बिना गोल के पॉइंट बहुत अच्छा देता है, लेकिन यहाँ पर फैंटेसी में इसको ऐड किया है मिडफील्ड में।
तो हम इनको नहीं ले पाएंगे। ओके, कोकरेला एक इम्पोर्टेंट रहेगा, कॉलवेल इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से बादी सीला एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो इन तीनों डिफेंडर को हम अपनी टीम में लेकर जाएंगे। बात करें डिफेंसिव मिडफील्डर में, यहाँ से इंजो फर्नांडीज है और लाविया है। लाविया को तो हम अपनी टीम में नहीं लेंगे, लेकिन इंजो फर्नांडीज ने इस यूरोपा लीग में 3 असिस्ट जरूर किए हैं, तो हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। गोल असिस्ट का भी पूरा चांस रहता है, उसका रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी शानदार है। लास्ट मैच में गोल किया था, उससे पिछले मैच में असिस्ट किया था, उससे पिछले मैच में गोल किया था, उससे पिछले मैच में असिस्ट किया था, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसने अब तक करके दिखाया है। ओके, तो हम इनको लेकर चलेंगे। जेदेन सेंचो ने लास्ट मैच में गोल किया था, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से ये आउट ऑफ फॉर्म है। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यू कर सकता है आज भी गोल असिस्ट, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। हो सकता है कि सेंचो की जगह पर मॉड्रिक को मौका मिल जाए। मॉड्रिक इस टीम की तरफ से अब तक 3 गोल 1 असिस्ट कर चुका है। ओके, पालमेर का इस टीम की तरफ से खेलने का चांसेस आज के मैच में ज़्यादा है। वैसे तो यूरोपा लीग में इसको मौका नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज पालमेर खेल सकता है यूरोपा लीग का मैच। ओके, और नेटो के बाद में बात की जाए तो नेटो भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर ये गोल नहीं करता तो 10-15 पॉइंट देता। गोल असिस्ट का चांस फिर भी इसके बने रहते हैं। और जैक्सन से उम्मीद की जा सकती है इस मैच में स्टार्ट करें। अगर जैक्सन स्टार्ट नहीं करेगा तो क्रिस्टोफर कुंको को मौका मिलेगा, जो इस टीम की तरफ से अब तक 5 गोल 1 असिस्ट निकाल चुका है। तो दोस्त, कहने का सीधा सा मतलब है, अगर यही लाइनअप रही तो हमारी टीम में कुकुरेल रहेगा, कोलविल रहेगा, बादी शीले रहेगा, इन जो फर्नांडीज रखेंगे ये तो कंपलसरी है, ये तो खेलेंगे ही, इनको तो लेकर चलना ही चलना है। ओके, बात करें पालमेर भी खेलेगा और जैक्सन भी खेलेगा। सेंचो और नेटो में आपको कहीं ना कहीं चेंजेस होते नजर आएंगे। सेंचो की जगह पर मॉड्रिक को मौका मिल सकता है, और नेटो की जगह पर हो सकता है कि किरण हाल को मौका मिले। जो भी रहेगा वो हम आफ्टर लाइनअप अपडेट देंगे टेलीग्राम चैनल पर, अभी के लिए ये है। तो दोस्त, हमने दोनों टीम के लाइनअप को अच्छे से देखा है, तो अब हम इस मैच की टीम पर फोकस करते हैं। तो आज के मैच में मैंने ये टीम बनाई है, लेकिन याद रहे एक डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट की जाएगी। पलमार को कैप्टन रखा है, वाइस कैप्टन मैंने जैक्सन को रखा है। इंजो फर्नांडीज एक ऑप्शन बेस्ट है। संचो ने लास्ट मैच में गोल किया था, उम्मीद है कि आज के मैच में कंटिन्यू रखेगा। और वैसे भी एक वीक टीम के सामने मैच है, तो ऐसे प्लेयर्स का गोल आना जरूरी रहता है, और ये डिफरेंशियल चॉइस है। ओके, बात करें कमारा और यहाँ से ग्रिस्पी को लेकर चलाऊँ, और यहाँ से इस टीम की तरफ से चिंदो को लेकर चला हूँ। डिफेंस में यहाँ से कोकरेला, बादिशीला, और यहाँ से कॉले विल को लेकर चला हूँ। इस मैच में कुछ भी अपडेट्स आपको रहेंगी वो मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर इस मैच की ग्रांड लीग की प्लस स्मॉल लीग की और फाइनल लाइनअप भी दी जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर।